तुम्हारा विचार है? जी जी महाराज, यही वक्त है दिल्ली को अपने हाथ में लेने का। हमें लाल किले से भी कुछ नहीं मिला। सदाशिव राव पुणे से हाथी, घोड़े, लश्कर, स्त्रियां और नौकर चाकर लाए हैं। वो कुंजीपुरा पर हमला करने जाएंगे। आप दिल्ली को संभाल लीजिए महाराज, दिल्ली को संभाल लीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, पेशवा जी महाराज के सेनापति श्री सदाशिव राव भाऊ अपने सरदारों के साथ पहुंच गए हैं। उन्हें सत्कार सहित भीतर ले आओ। जी महाराज। आज आप बात करेंगे महाराज। आप उन्हें पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली पर आपका हक है। पेशवा जी महाराज के सेनापति श्री सदाशिव राव भाऊ अपने सरदारों के साथ पधार रहे हैं। बधाई हो, सबका स्वागत है। पधारिए पधारिए। बेरा जी, युद्ध में विजय हुई भाव बड़ी प्रसन्नता है। आगे क्या करना है? जीत का सेहरा तो आपकी भी सर है। आगे हम जो भी करेंगे आप हमारे साथ होंगे। अब्दाली का खजाना और रसद का भंडार कुंजपुरा के किले में है और हम उस पर हमला करना चाहते हैं। और दिल्ली? दिल्ली मुगलों की है। हमें मंजूर नहीं भाव। दिल्ली पर हमारा कब्जा होगा। दिल्ली पर हम कब्जा नहीं करेंगे। दिल्ली तो हम मुगलों के हवाले करते हैं। दिल्ली जाटों की है भाऊ, वो ही लेंगे। दिल्ली से बढ़कर अब्दाली का फैसला करना है। अभी तक वो हारा कहां? वो तो सर पर बैठा है, उसे हराना है। हराएंगे, लेकिन दिल्ली जाटों की है। ये राजनीतिक फैसला हम तो नहीं कर सकते। हम कर चुके हैं, बता भी चुके हैं होलकर महाराज को और आप सब भाइयों को। सूरजमल जी, बेल प्रतिज्ञा ली है आपने। उस समय भी दिल्ली को अलग रखा था, अब भी अलग रखेंगे। हम कुंजपुरा पर हमला करेंगे और आप? हमले में हम साथ चलेंगे, लेकिन दिल्ली में भान सिंह रहेंगे। नहीं, दिल्ली के बारे में फैसला हमारे पिता पेशवाजी महाराज करेंगे। आपके पिता पेशवाजी महाराज पुणे में हैं, दिल्ली में हम हैं, हम रहेंगे। आप जाइए कुंजपुरा। मुझे कुछ अर्ज करने की इजाजत है? मैं पेशवा फौज का कमांडर हूं, पर इस जंग में आपके झंडे के तले ही लड़ा। अगर आपस में हम बट जाएंगे तो अब्दाली की ताकत दुगनी हो जाएगी। दिल्ली के बारे में फैसला करने का हक आपको है, पर हम सबके बारे में फैसला करने का हक अब्दाली के हाथ में है। अगर हमने उससे ये हक नहीं छीना तो वो हम सबसे ये हक हमारा छीन लेगा। ये बात मैं सियासतदान के तौर पर नहीं कह रहा हूं, एक फौजी के तौर पर कह रहा हूं जो ये देख रहा है कि अब्दाली ने बड़ी चालाकी से नजीब खान के रकीब शुजाउद्दौला तक को अपने साथ मिला लिया है, क्योंकि वो जानता है कि अकेले जंग तो लड़ी जा सकती है,
लेकिन जीती तभी जा सकती है जब साथी साथ हों और ये साथ आखिर तक हो। हम साथ देंगे दिल्ली लेकर, वरना हरगिज नहीं। ठीक से भोजन नहीं कर रहे, क्या बात है? मैं लज्जित हूं काका, मेरे आवेश में आकर बोल पड़ने से राजा सूरजमल जाट बिगड़ गए। भोजन करो, अगर तुम न भी बोलते तो सूरजमल वही करता जो उसने कहा, और अगर एक सबक सीखना चाहते हो तो सीख लो, मेरी तरह बात को टालते रहो। आदमी से ना न लो और हां का एक भी सूत कच्चा ही सही, अटका रहने दो। इब्राहिम खान ने बात संभालने के लिए इतना कुछ कहा कि अगर वो मानना चाहते तो मान जाते। बरोबर, प्रतिज्ञा के समय से जानता था, लेकिन हमें दिल्ली पहुंचना था और सूरजमल के साथ के बिना हम वहां नहीं पहुंच सकते थे। पर बात अब सूरजमल की नहीं बल्कि हमारे लश्कर की है। अब ना तो तनख्वाह मिली है और ना ही रसद है।